जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने किया। वर्चुअल समारोह बालाजी मार्केट स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम भवन में किया गया, जहां पर मीणा समाज के पदाधिकारी सहित आदिवासी मीणा छात्रावास में अध्ययन कर रहे छात्र और छात्राएं भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया, साथ ही कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भी समाज शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है तो निश्चय ही फलीभूत होता है। विगत दो वर्षों में 100 से अधिक कॉलेज खुले हैं, जिसमें 35 के करीब बालिकाओं के लिए हैं। नगर विकास न्यास के ओएसडी और मीणा समाज के कार्यकारिणी सदस्य आरडी मीणा ने बताया कि रानपुर में करीब 33 एकड़ में यह विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, जिसके प्रथम फेज में करीब 15 करोड़ रुपए लागत से निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। प्रथम फेज में 10,000 वर्ग मीटर में प्रशासनिक भवन, एकेडमिक भवन, कुल सचिव भवन, रजिस्ट्रार कार्यालय, पंजीयन कार्यालय का निर्माण के साथ साथ सघन पौधारोपण भी कराया जाएगा। समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने वर्चुअली शिरकत की। जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का जो कि रानपुर कोटा में बनेगा, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से शिलान्यास होने जा रहा है। साथ में बालिका छात्रावास प्रताप नगर जयपुर, उसका लोकार्पण होगा। बालिका छात्रावास का जिसका लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें लगभग 150 बालिकाएं इस समय रह रही हैं, उसकी लागत लगभग 4 करोड़ के लगभग है। कोटा में भी इसी प्रकार का छात्रावास हमने पूर्व बनाया था। मैं समझता हूँ कि दोनों जो छात्रावास है, काफ़ी बेहतरीन स्थिति में 25 सुविधाएं उनको हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उसी को देखते हुए आज संस्था पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है, और डेडिकेशन और समर्पण के साथ जिस प्रकार से कोटा की टीम ने ये हाथ में लिया है एक विश्वविद्यालय का काम, मैं समझता हूँ कि आदिवासी समुदाय के लिए आदिवासी विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा, आज एक इतिहास बनेगा, जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय में न केवल शिक्षा से जुड़ेंगे बल्कि उनकी संस्कृति और सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होगा।